नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। गर्मी के मौसम में जल संकट के चलते परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर होशंगाबाद कलेक्टर द्वारा नलकूप खनन पर प्रतिबंध तो पूर्णतः लगा दिया गया, लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण यह आदेश केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गया, जिसके चलते सिवनी मालवा में बेखौफ होकर ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदरवाड़ा रोड सहित कई स्थानों पर नलकूप खनन किया जा रहा है। वहाँ बिना किसी डर के खुलेआम बोरिंग मशीन चलाई जा रही है, जिन्हें ना तो किसी आदेश से मतलब है, ना ही कृषि प्रतिबंध से। और तो और, गांव का कोटवार, सचिव, रोजगार सहायक सहित पटवारी अधिकांश समय गांव में ही रहते हैं, परंतु इसके बाद भी ना तो कभी इन बोरिंग मशीनों की कोई शिकायत आती है, ना कभी कोई कार्रवाई होती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कलेक्टर भी केवल खानापूर्ति करने के लिए ही आदेश जारी करते हैं। उन्हें जल संकट और लोगों को भीषण गर्मी में होने वाली परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी शासकीय कर्मचारी मतदाताओं को जागरूक करने में जुट गए हैं, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि पूरे होशंगाबाद जिले के कर्मचारी अधिकारी जुट चुके हैं। कहीं नुक्कड़ नाटक तो कहीं मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। नुक्कड़ नाटक और रैली से तो समझ में आता है कि मतदाता इसे देख जागरूक हो सकते हैं, परंतु महिलाओं की क्रिकेट का आयोजन कर मतदाताओं को आखिर किस तरह से जागरूक कर रहा है निर्वाचन आयोग, ये समझ से परे है। देखा जाए तो एक तरह से शासकीय कर्मचारियों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है, जिसे ना तो मतदाता जागरूक हो रहे हैं और तो और, ये सिर्फ शासकीय समय और पैसे की बर्बादी का एक जरिया भी बनकर सामने आया है। निर्वाचन आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाए, परंतु शासन के नुमाइंदे ना तो इस तरह के किसी भी आयोजन की सूचना पहले से मीडिया कर्मियों को देते हैं, ना ही आम लोगों को, बल्कि स्वयं ही इसके माध्यम से अपना मनोरंजन करते दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी मालवा में बुधवार को नजर आया, जब शासन के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए महिला क्रिकेट का आयोजन करने के निर्देश दिए गए। वहीं पूरे कार्यक्रम में सभी अपना मनोरंजन करते देखे गए और ना तो वहां कॉलेज के छात्र छात्राओं को बुलाया गया, ना ही आम मतदाता को, जिससे साफ समझ में आता है कि अधिकारी कर्मचारी किस तरह से मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। जनपद पंचायत पिपरिया में नवागत सीओ मनीष भारद्वाज ने पदभार ग्रहण करने के बाद विकासखंड के सभी 52 पंचायतों के सचिवों व रोजगार सहायकों की बैठक बुलाकर जमकर क्लास ली। भारद्वाज ने सचिवों को अपने दायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीओ ने कई पंचायतों में योजनाओं से संबंधित लंबित पड़े मामलों को लेकर सचिवों को जमकर लताड़ा। साथ ही उन्होंने जनपद अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर शासन की योजनाओं में सरपंच की भी लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ ने सचिवों को निर्देश दिए कि अगर बिना किसी सूचना के छुट्टी ली गई तो प्रतिदिन के हिसाब से वेतन काटा जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी सचिवों को ऑफिशियल यूनिफॉर्म पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने शासन द्वारा लागू कर्मकार मंडल के बारे में सवाल सचिवों से पूछा तो अधिकांश सचिव नहीं बता पाए कि कर्मकार मंडल क्या है। बैठक में विकासखंड के 11 पंचायत सचिवों को 10 दिन के अंदर रोजगार सहायकों के लिए लैपटॉप वितरित कराने के भी निर्देश दिए गए। ये जो ग्रामीण विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, काम है, उसमें हितग्राही मूलक योजनाओं से लेकर और सामुदायिक मूलक योजनाएं हैं, उसमें सारी योजनाएं शामिल थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, पेंशनर्स की पेंशन योजनाएं हैं और SBM है, समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये है, संबल योजना है, कर्मकार मंडल योजना और नरेगा के अंतर्गत आने वाली सभी चीज़ें और भी अन्य निर्माण कार्य, इन सभी चीज़ों पर जो कि निचले लेवल पर हम ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, तो जो भी शासन जिन व्यक्तियों को महसूस करता है कि वो कमज़ोर हैं, उन्हीं के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उन लोगों तक इस योजना की बात पहुंचना चाहिए और उनको बात के साथ उनको लाभ पहुंचना चाहिए। तो ये संदेश मेरा इनको देना चाहता था, क्योंकि एक ऐसे पद पर हमारे सचिव और रोजगार सहायक काम करते हैं और हमारे ग्रामीण विकास विभाग के अन्य कर्मचारी अधिकारी, कि अगर ये बिल्कुल निष्ठा के साथ और संवेदनशीलता के साथ इस जिम्मेदारी को निभा लेंगे तो हम समझते हैं कि हम बहुत सारी समाज की और देश की सेवा कर सकेंगे। ये बिल्कुल कोई भाषण देने वाली बात नहीं है, ये हमारे दायित्वों में, अगर हम अपने दायित्व को सिर्फ जिम्मेदारी ले लें तो उसी से ये बहुत सारी चीजें, मुश्किल जो कठिन लगती है, वो सब सारी चीजें दूर हैं। सर, बनखेड़ी पुलिस ने SPML छारी के आदेश और SDOP रणविजय सिंह के कुशल निर्देशन में आज बनखेड़ी के STR क्षेत्र, फांसी ढाना और कालपानी के जंगल में दबिश देकर अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। मौके से कच्ची शराब निर्माण के उपयोग में बनाई गई हाथ भट्टी
और भारी संख्या में महुआ लहान जब्त कर नष्ट किया गया। थाना प्रभारी शंकरलाल झारिया ने बताया कि ग्राम फांसीढाना और कालपानी के जंगल में अवैध शराब बनाने की लंबे समय से सूचना मिल रही थी, जिसके चलते आज जंगल से 20-30 किलोमीटर अंदर जाकर दबिश देने पर भारी संख्या में अवैध रूप से शराब बनाने का कार्य होना पाया गया। मौके से ड्रमों में भरा करीब 7,500 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया। जब्त सामग्री व महुआ लहान की कीमत 70 से 80 हजार रुपए के लगभग बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा नगर मंडल की एक बैठक का आयोजन कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल सिवनी मालवा में महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री एवं लोकसभा महिला मोर्चा की प्रभारी माया नारोलिया की अध्यक्षता में की गई। बैठक में माया नारोलिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि जैसा हमारे द्वारा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को विजय दिलाई गई, उसी तरह हम सभी को एक होकर लोकसभा चुनाव में भी मेहनत करनी होगी और लोकसभा प्रत्याशी राव उदय प्रताप सिंह को भारी बहुमतों से विजयी बनाना होगा एवं पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। इस अवसर पर सोहागपुर विधानसभा की प्रभारी रंजना मीणा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीति शुक्ला, मालती गौड़, सावित्री यादव, शकुंतला यादव, रचना शर्मा, संगीता मालवी सहित अन्य महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थी। फसल कटाई के चलते सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत बीजमानी ने आग से सुरक्षा के लिए मिनी फायर ब्रिगेड टैंकर को तैयार कर लिया है। ग्राम पंचायत बीजमानी की सरपंच शोभा गोस्वामी ने बताया कि टैंकर को फसल कटाई के चलते सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया गया है, जहां टैंकर का डेमो भी लिया गया। वहीं बिजली को फसल कटाई तक बंद रखने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी की गई। वहीं पंचायत के द्वारा टैंकर को पानी से भरने के लिए दिन में बिजली के अभाव में जनरेटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही ग्रामीणों से अपील भी की गई है कि नरवाई ना जलाएं। वहीं इसको लेकर ग्राम पंचायत ने एक सुरक्षा समिति भी बनाई है, जो कि काफी सराहनीय है और अन्य पंचायतें इस पंचायत से प्रेरणा लेकर अपनी पंचायतों में भी ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जहां दोनों पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, वहीं वर्तमान में कांग्रेस ने होशंगाबाद जिले में अपना जिलाध्यक्ष बदलकर सभी को चौंका दिया है। जिले में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने के ठीक 1.5 माह पहले कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष को बदल दिया है। पार्टी ने अमृत बिंदु टिल्लू डहरिया को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले जिले में सभी कार्यकर्ताओं को साधा जा सके। जानकारी के अनुसार पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल फौजदार को पार्टी ने पहले ही जिलाध्यक्ष के पद से हटा दिया था, जिसके बाद से ही नए जिलाध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अब इन चर्चाओं पर शुक्रवार को विराम लग गया है। नए जिलाध्यक्ष के नाम पर मोहर भी लग चुकी है। ज्ञात हो कि कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष अमृत बिंदु पूर्व में बीजेपी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर नए जिलाध्यक्ष को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। पार्टी के कार्यकर्ता भी फेसबुक पर नए जिलाध्यक्ष के विरोध में कई तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि पूर्व भाजपा पदाधिकारी को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। सिवनी मालवा के ग्राम मकोड़िया में अनियंत्रित होकर हार्वेस्टर सीमेंटेड हो चुकी नहर में पलट गया। हालांकि इस पूरी घटना में कोई जनहानि होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन हार्वेस्टर के नहर में पलटने से हार्वेस्टर के मालिक को काफी नुकसान पहुंच गया, वहीं नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कांति बाथम के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रशिक्षण आशा सहयोगियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया, जिससे कि अभियान को सफल किया जा सके। वहीं 100% बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा सके। आपको बता दें कि 7 अप्रैल से पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, जिसके तहत 7, 8 और 9 अप्रैल को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। रघुकुल युवा संगठन सिवनी मालवा द्वारा आगामी रामनवमी पर्व 2019 को लेकर आमंत्रण पत्र देवी देवताओं को भेंट किए गए। रघुकुल युवा संगठन सिवनी मालवा के मीडिया प्रभारी राममोहन रघुवंशी ने बताया कि रघुकुल युवा संगठन सिवनी मालवा के सक्रिय सदस्यों द्वारा शुक्रवार को सुबह 9 बजे माँ खेड़ापति धाम बानापुरा, राम जानकी मंदिर बानापुरा, दो पीपल बाबा, राम जानकी मंदिर स्टेट बैंक के सामने, नर्मदा मंदिर, राम जानकी मंदिर कल्लू चौक सिवनी मालवा एवं हनुमान मंदिर हाई स्कूल के सामने सर्वप्रथम आमंत्रण पत्र प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करके आमंत्रण भेंट करने की शुरुआत की। देवी देवताओं को आमंत्रण पत्र भेंट करने के उपरांत अब रघुकुल युवा संगठन सिवनी मालवा के सदस्य प्रत्येक ग्राम में जाकर सामाजिक बंधुओं को आमंत्रण पत्र देंगे तथा अन्य सामाजिक संगठनों को भी रामनवमी पर्व के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ज्ञात रहे कि सिवनी मालवा में रामनवमी पर्व पूरे उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी सामाजिक स्तर पर चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में होती है। पिपरिया रेलवे पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं जीआरपी थाना प्रभारी गाडरवाड़ा बीपी पांडे व पिपरिया जीआरपी चौकी प्रभारी बीएम द्विवेदी व उनकी टीम ने आज पिपरिया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 के किनारे बने बगीचे में बैठे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी ट्रेन में चोरी करने की योजना बना रहे थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। तत्संबंध में जीआरपी चौकी प्रभारी बीएम द्विवेदी ने बताया कि आरोपी बांके और विनय बलराम सपेरा मंगल उर्फ बाबू अली को गिरफ्तार कर उनकी तलाशी लेने पर चोरी में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री बरामद की है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। होशंगाबाद पुलिस अधीक्षक एमएल चारी ने सिवनी मालवा थाने का औचक निरीक्षण किया।
एवं थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर नगर का जायजा लेने पर कुछ कैमरे बंद मिले, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें तुरंत चालू करवाने के निर्देश थाना प्रभारी अजय तिवारी को दिए। वहीं गांधी चौक पर वाहनों की पार्किंग सही करने के भी निर्देश दिए। मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक एमएल छारी ने बताया कि शहर में विगत दिनों हुए हत्याकांड एवं चाकूबाजी की घटना की जानकारी थाने पहुंच ली गई है एवं घटना के स्थान का भी निरीक्षण किया गया है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए गए हैं। नर्मदा सहित अन्य नदियों पर किए जा रहे रेत उत्खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने की भी बात कही। साथ ही कहा कि पुलिस बल की कमी है, लेकिन गेहूं खरीदी को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, सभी का सहयोग लेकर खरीदी कराई जाएगी। चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और इसमें के कई कारण हैं। चुनाव के संबंध में थाने की क्या तैयारी है और साथ ही साथ जो अपराध हुए हैं, गंभीर अपराध, एक मर्डर का जो अपराध हुआ था पेपर थोड़े के आगे नए किनारे जंगल में, इसमें सुरेंद्र गौर की हत्या हुई थी, तो घटनास्थल भी देखना था और उसके आसपास क्या लोकेशन है, कौन कौन लोग वहाँ रहते हैं, घटना के क्या कारण थे, तो घटना के कौन कौन साक्षी उसमें हो सकते हैं जिन्हें इसकी सही जानकारी है, ये सब कारण थे आगे इस क्षेत्र में भ्रमण करने। सर, आचार संहिता लगी हुई है तो पुलिस की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? पुलिस ने जो मतदान केंद्र है उनका भ्रमण किया है और मतदान केंद्र कितने सामान्य हैं, कितने क्रिटिकल हैं और क्रिटिकल और सामान्य में जो है क्या डेवलपमेंट होना है, चुनाव के दौरान जो फोर्स आएगा उसके रुकने की कहाँ कहाँ व्यवस्था हो सकती है, उसके भवन वहाँ पर जो है उनके रहने की, पानी की, बलेट बाथरूम की व्यवस्था, ये सभी सुनिश्चित करना शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए। जो क्रिटिकल और वल्नरेबल जो है मतदान केंद्र और एरिया है, इसमें ऐसे लोग जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके विरुद्ध जो है शांति बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक प्रतिबंध कार्रवाई है वो कराना, उनको पूरी हिदायत देना और शांति बनाए रखना। इलीगल शराब, इलीगल आर्म्स के विरुद्ध कार्रवाई कराना, इससे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जो नॉन अवेलेबल वारंट है, गिरफ्तारी वारंट, उनकी तामील करना, तामील कराने के लिए पार्टियां भेजना, इससे कानून का जो शासन है वो स्थापित हो सके और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके विरुद्ध जो है निष्पक्षतापूर्वक विधि अनुसार कार्रवाई हो सके और लोग जो है शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। सर, पिछले विधानसभा में झाड़बीड़ा अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, उसमें कुछ शिकायतें भी आई थी, इस बार पुलिस की क्या पुख्ता तैयारी है? झाड़बीड़ा में हमने जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ संयुक्त भ्रमण भी किया, वहाँ के लोगों के साथ बैठक भी की थी, किसी ने भी जो है कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की, झाड़बीड़ा में कोई दिक्कत आने वाली है या पहले कभी आई थी, सभी ने शांतिपूर्वक मतदान होने की स्थिति बताई, पानी की जरूर समस्या बताई थी, वहाँ पर पानी पीने की समस्या है, वो नेक्स्ट डे जो है बोरिंग ठीक करा करके कर दी गई। सर, आने वाले समय में त्यौहार भी आ रहे हैं, गेहूं खरीदी मंडी के काम भी चालू हो रहे हैं, तो पुलिस की भी दोनों जगह कई बार व्यवस्थाएं देखना पड़ती है, तो किस तरीके के निर्देश अधीनस्थ थानों को आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं? ये समस्या वर्तमान में है, गेहूँ की फसल जो है पकी हुई खड़ी है और कटाई भी शुरू हो गई है,
और बाजार में भी जो है बड़ी मात्रा में गेहूँ की फसल आई और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जो है लंबी लाइन के जरिए ये समस्या हो सकती है। पुलिस की सीमित संख्या है और पुलिस को जो है अन्य काम भी करने हैं, तो इसके लिए जो है पुलिस की सहायता की जो विंग्स हैं और उसमें ग्राम कोतवाल हैं, नगर रक्षा समिति के लोग हैं, ग्राम रक्षा समिति के लोग हैं, आम जनता के कुछ जागरूक नायक हैं और प्रशासन के कुछ कर्मचारी हैं, उन सभी के संयुक्त प्रयासों से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नर्मदा नदी में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी वर्तमान में भी जारी है। इस संबंध में कलेक्टर साहब से बात हुई है और उनका मानना है कि संयुक्त दल बना करके इसमें जो है जिले में जहाँ जहाँ भी जो है रेत के ऐसे अवैध उत्खनन के क्षेत्र हैं या पॉकेट्स हैं और भंडारण है, उन सभी की जांच कराई जाएगी, ऐसा उनका कहना है। और ये दिशा में उन्होंने काम शुरू कर भी दिया है कि लगातार वो जो है प्रतिदिन जांच करा रहे हैं क्षेत्र में जाकर। वर्तमान में रेत माफिया ने नया रेत चोरी के धंधे के लिए बाबरी, डिमावर और रामगढ़ से अन्य मतलब घाटों से रेत को उस पार ले आके मतलब होशंगाबाद जिले से रेत चोरी करके अब नरसुल्लागंज जिले में जाके बेचने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल चालू कर दिया तस्करी मतलब रेत के लिए। इस संबंध में मैं खुले कलेक्टर साहब से चर्चा करूँगा, इसमें भी एक स्वयं दल को जो है यहाँ भेजने की जल्दी भेजने का प्रयास करूँगा, तो उस संबंध में कार्रवाई करें। पिपरिया में कृषकों द्वारा दावा आपत्ति का निराकरण किए जाने के बाद भी मंडी प्रशासन द्वारा फसल में सुधार न किए जाने के बाद आज जागरूक युवाओं ने तहसील कार्यालय में एसडीएम के नाम आवेदन देकर जल्द किसानों की समस्या का निराकरण करने की मांग की। इस दौरान आवेदनकर्ताओं में नितिन पटेल, अक्षय शर्मा, राहुल पटेल, हल्के वीर, रमेश, विजय और श्रीकांत चौधरी उपस्थित रहे। युवाओं की मांग है कि खरीदी से पहले किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी मालवा द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत पाठ क्रमांक 3 में मतदाता जागरूकता को लेकर मतदान से संबंधित रंगोली बनाई गई। वहीं उपस्थित महिलाओं को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित कर शपथ भी दिलाई गई। साथ ही वार्ड की बुजुर्ग महिला रामबाई गोस्वामी एवं गायत्री गोस्वामी को श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से परियोजना अधिकारी रामकुमार सोनी, पर्यवेक्षक माधवी घरसर, कल्पना अर्चना बस्तवार, रंजना गोस्वामी, चंद्रकला सहित अन्य कार्यकर्ताएं एवं वार्ड की महिलाएं उपस्थित थीं।